भाईजान, सलमान खान आजकल अपने बैनर तले जो फिल्म आ रही है नोटबुक, उसके प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। ऐसे में वो एक इंटरव्यू में जाते हैं जहां पर उनके साथ हैं प्राणोतन और साथ ही साथ है जाहिर इकबाल और बहुत सारी अलग अलग बातें होती हैं। यहां पर इंटरव्यूअर उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, लव एट फर्स्ट साइट के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो भाईजान बहुत ही एज यूजुअल फनी और हिलेरियस अंदाज में जवाब देते हैं। नमस्कार, मैं हूं राहुल भोज और लेकर आया हूं आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग सी बात। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये जो फिल्म आ रही है नोटबुक, ये इसी तरीके के थॉट पर बिलीव करती है कि एक लड़की है, उसने नोटबुक में कुछ लिखा है, वो लड़का उस नोटबुक को पढ़ के इंप्रेस हो रहा है, उसको ढूंढ रहा है और ये सारी बातें बेसिकली, राइट। अब भाईजान सलमान खान से पूछा जाता है, आपको क्या है कहना लव एट फर्स्ट साइट के बारे में? सो वो बोलते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा आजकल ऐसा होता है कि आपकी पर्सनालिटी को देखकर, आपके स्मार्टनेस को देखकर, सुंदरता को देखकर या फिर आपके आपके जो हैंडसमनेस है उसको देखकर आप अट्रैक्टिव हो जाते हैं, चाहे मेल चाहे फीमेल वो हो जाते हैं। बट इवेंचुअली आपको एट अ पॉइंट ऑफ टाइम समझ में आता है कि ये जो पर्सन है सामने वाला, ये मेरे लिए नहीं बना है और मेरी स्टोरी में तो ये सब हमेशा गलत होता है। जी हाँ दोस्तों, भाईजान ने यहाँ पर अपनी स्टोरी यानी कि उनकी जो पर्सनल लाइफ है उसके एक्सपीरियंस पे बताया कि मेरी स्टोरी पर लव एट फर्स्ट साइट हमेशा गलत ही जाता है। वेल दोस्तों, यहाँ पर भाईजान एक अपने दोस्त की भी बात बोलते हैं जो कि उतना गुड लुकिंग नहीं है। वो बोलते हैं कि उसके पास सबसे सुंदर सबसे बेस्ट लड़की है और उससे मैंने पूछा कैसे मैनेज करा आप लोगों ने, तब वो कहता है कि इवेंचुअली सिचुएशन ये नहीं थी, लेकिन जब हमने एक दूसरे को जाना तब उनको मेरा नेचर पसंद आया, उनको अच्छा लगा और अब हम इतने अच्छे सुंदर रिलेशनशिप में हैं। सो दोस्तों, आपको बता दूं कि भाईजान सलमान खान ने फनी तरीके से सारी बातें बोल दी हैं और उन्होंने कहा है कि लव एट फर्स्ट साइट मेरे मामले में तो हमेशा गलत ही जाता है। आपको क्या है कहना इस बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और बने रहो मेरे साथ। अगर आपने ये इंटरव्यू नहीं देखा तो देखना, बहुत हिलेरियस है और भाईजान अपने फुल ऑन अंदाज में है। बताइएगा मुझे। बाय।